एवरीवन, मेरा नाम है चैलेंजर झा और आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप कैनवा का यूज़ करके, जो कि एक फ्री ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, मार्केट में बहुत सारे पेड वर्जन अवेलेबल हैं, बट कैनवा बहुत ही ज़बरदस्त है और फ्री भी है। तो आप मोबाइल का यूज़ करके कैसे 0 से 100 तक के, बेसिक लेवल से एक्सपर्ट लेवल तक के डिज़ाइनिंग को कर सकते हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग कैनवा ओपन कर लेंगे, और मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो आप लॉगिन कर लीजिए, क्योंकि लॉगिन करने के बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे क्या है, कहाँ पे और कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे लॉग ओपन करने के बाद आप देख रहे होंगे, जब आप लॉगिन कर लीजिएगा तो टेम्पलेट्स, डिज़ाइन और अकाउंट, अकाउंट आपका लॉगिन करने के बाद का रहता है, डिज़ाइन जो डिज़ाइन आपने बनाया है वो डिज़ाइन होगा, और टेम्पलेट्स यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल होंगे, जैसे कि एक्सप्लोर कैनवा में हम लोग देख पा रहे होंगे ऑल कैटेगरीज, वीडियो, इंस्टाग्राम पोस्ट, स्टोरी, लोगो, पोस्टर, बिजनेस कार्ड, लेवल, इनविटेशन, सारा कुछ ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और बहुत सारा ऑप्शन हमको दिखते जाएगा, और ये प्लस बटन पे जब क्लिक करेंगे तो आप एक कस्टम साइज जान पाएंगे कि इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए क्या साइज का चाहिए ये, और आपको आप यहाँ से भी चूज़ करके एक ब्लैंक में बना सकते हैं। लेकिन चलिए, मैं यहाँ पे सर्च करने का जब ऑप्शन अवेलेबल है तो वहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। चलिए मैं इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए करता हूँ और मैं सी ऑल में कर दूंगा। इसके बाद मैं ब्लैंक चूज़ करूँगा, बहुत सारे टेम्पलेट्स मेरे पास अवेलेबल है बट मैं ब्लैंक को चूज़ करूँगा ताकि मैं अच्छा से बना पाऊँ। चलिए फिर भी मान लीजिए ये एक फ्री टेम्पलेट्स है, तो फ्री टेम्पलेट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट की जगह पे बिजनेस भी सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको अपने बिजनेस के लिए बनाना है तो आप यहाँ पे बिजनेस सर्च करिएगा, बिजनेस, और यहाँ पे आपको बहुत सारा बिजनेस के लिए मिल जाएगा कि बिजनेस के लिए ये है वो है, तो सारा कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चलिए हमने इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए किया था, तो मैं इंस्टाग्राम पोस्ट के साइज का ले लिया और यहाँ पे ब्लैंक को चूज़ कर लेता हूँ मैं। और ब्लैंक को चूज़ करने के बाद अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हमको यहाँ पे आ रहा है गैलरी, इमेज, वीडियो, कलर, तो हम इमेज लगाना चाहते हैं गैलरी से पे। गैलरी में अगर आपके पास इमेज अवेलेबल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं अवेलेबल है तो आप कैनवा के लाइब्रेरी के इमेज को यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने बिजनेस के लिए बनाना चाहता हूँ तो मैं बिजनेस यहाँ पर सर्च करूँगा और यहाँ पर मुझे वेराइटी ऑफ ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएंगे, तो मैंने बिजनेस के लिए सेलेक्ट किया। चलिए इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया अपने बिजनेस के लिए, ये सेलेक्ट हो गया। अब इसका फ़िल्टर करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि इसका फ़िल्टरिंग हो जाए और ये थोड़ा सा और अच्छा दिखे, मैं ब्लू टाइप में चाह रहा था। चलिए हो गया है। अब क्या, अब इसमें कंटेंट या टेक्स्ट वगैरह कैसे ऐड होगा, तो इन चीज़ों के बारे में मैं जानूंगा, तो ये प्लस बटन को क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए सारा ऑप्शन अवेलेबल है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, स्टिकर एंड इलस्ट्रेशन, टेम्पलेट, लोगोज एंड पेज। तो चलिए मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट भी पहले से लिखा हुआ अवेलेबल है, मैं खुद का टेक्स्ट डालना चाहता हूँ। चलिए, मेरा वेबसाइट डेवलपमेंट का कंपनी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट, तो वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट एट ₹5,000 ओनली, मैंने ये लिख दिया। अब मैं ये टेक्स्ट लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये फोर कॉर्नर में जो सर्कल जैसा है, इसको अगर पकड़ के अपने तरफ करोगे तो ये बड़ा छोटा होगा, और साइज़ को बड़ा छोटा करने का और भी ऑप्शन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फॉन्ट कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट, अगर आप चाहते कोई और फॉन्ट में लिखे तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से फॉन्ट को, फ़ॉन्ट को चूज़ करिएगा। ये देखिए डाउनलोडिंग अगर हो रहा होगा तो ये फॉन्ट अब तक नहीं आया होगा, लेकिन ये फॉन्ट जैसे ही डाउनलोड हो गया ये फॉन्ट आ गया। ओके, अब हम लोग यहाँ पे साइज को देखेंगे कि कौन से साइज का चाहिए, तो ये देखिए बड़ा छोटा हो रहा है। सबसे पहले मैं इसका कलर ठीक कर लेता हूँ, यहाँ से कलर चूज़ कर लूँगा, ये ब्लैक है, मैं चाहता हूँ कि इस कलर में रहे, मैंने वो कलर चूज़ कर लिया। इसके बाद मैं इसकी साइज़ को बड़ा कर दूंगा और इसे मैं ऊपर की तरफ ऐसे कर दिया, ठीक है। अब ये फॉन्ट मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं कोई और फॉन्ट, मैंने इस फॉन्ट को चूज़ कर लिया और मैंने इस फॉन्ट को चूज़ करके यहाँ सेलेक्ट कर लिया। इसे यहाँ से भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं और आप यहाँ से भी इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। मैंने यहाँ से बड़ा कर लिया, इसे मैं यहाँ पे ऐसे हो गया। फॉन्ट देखिए क्या है कि आप बहुत तरह से, अब आपको फिर से टेक्स्ट ऐड करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ से टेक्स्ट कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि इसी टेक्स्ट के फॉन्ट का करना है तो यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, ये एक नया टेक्स्ट आ गया। अब ये नया टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे आपने लिख दिया अपना कॉल नंबर की कॉल एट
मान लीजिए जो भी नंबर है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने अपना कॉल वाला लिख दिया और इसको यहाँ पे बॉटम में ले आए। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि फॉन्ट इसका चेंज हो तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, और आप इसके साइज को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। मैंने इसे छोटा करके यहाँ पे बॉटम में ला दिया, ठीक है। और इसके कलर को मैं चेंज करना चाह रहा था, इससे मैंने चेंज कर लिया। सबसे बड़ी बात कि मान लीजिए आप इसे चाहते हैं बोल्ड करना थोड़ा डार्क, तो बोल्ड कर लीजिए। इसे डाउन करना चाहते हैं तो डाउन कर सकते हैं। स्पेसिंग का क्या है कि ये चीज़ों अल्फा लेटर्स के बीच में स्पेसिंग होगा और ये इसके बीच में स्पेसिंग होगा, तो ये चीज़ें आप समझ गए हैं। इसके बाद मैंने फ़ोन नंबर भी लिख दिया। एंड इसके बाद क्या, इसके बाद प्लस साइन पे अगर आप चाहते हैं किसी तरह का वीडियो लगाना तो वीडियो लगा सकते हैं, और इमेज के अंदर अगर मैं चाहते हैं कि हाँ मैं लोगो लगाऊं तो आप गैलरी से अपना इमेज चूज कर सकते हैं लोगो, या फिर अगर आपका कैनवा पे अवेलेबल है तो कैनवा के बेसिकली आपका लोगो कैनवा पे होगा ना, तो आप गैलरी से चूज करके लोगो भी लगा सकते हैं। मैं कैनवा से चूज करके एक लोगो के हिसाब से समझ लीजिएगा, मैं इसे लगा के आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे लगेगा। मान लीजिए मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया, मान लीजिए ये मेरा लोगो है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वीडियो, स्टिकर, इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन क्या होता है मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ, इसमें तरह तरह का सेफ फ्रेम वगैरह रहता है। और इसके बाद यहाँ पे प्लस साइन पे करेंगे, और यहाँ पे टेम्पलेट्स है, लोगो, कस्टम लोगो अगर आप चाहते हैं कि आपके कुछ कैनवा पे वो अवेलेबल है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे पेज है, ये डिज़ाइन मान लीजिए आपका कंप्लीट हो गया। अब इसे डाउनलोड कैसे करेंगे, तो डाउनलोड करने के लिए ये बटन जो है इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये डाउनलोडिंग होने लगा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि कैसे कैनवा में बेसिक एडिटिंग, तो आप समझ ही गए होंगे कि कैनवा में कैसे बेसिक एडिटिंग किया जाता है। इसका मैं सेकेंड वर्जन लाऊंगा। बेसिकली अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पे बनाते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं अच्छे से, और आपके पास फ्री होता है हाथ कि आप आराम से कर पाएँ। तो मैं फिर भी ऐप से, मोबाइल से बनाना बहुत अच्छी बात है, इनका सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हों कि कैसे टेम्पलेट डिज़ाइन होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।